अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम खेल रहे हैं हारिस भाई के साथ, उनकी टीम के साथ केज वॉर्स का एक इंडोर क्रिकेट मैच। और हारिस भाई, पहली दफ़ा आप केज वॉर्स खेल रहे हैं, कोई कुछ बोलेंगे? पहला एक्सपीरियंस है? बिल्कुल पहला एक्सपीरियंस है, पहले क्रिकेट देख चुके हैं फेसबुक पे और डिफरेंट चैनल्स पे, और मुझे बताया गया था, जैसे दोस्तों ने लास्ट रमजान में मुझे बताया कि भाई हम लोग केज क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके रूल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हैं, वो समझने में ही ना हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो जब आपने पोस्ट भेजी टूर्नामेंट की, तो मैंने उससे पहले एक प्रैक्टिस मैच होना चाहिए, तो उसके लिए हम आज आए हैं ताकि हम थोड़ा सीख सकें। बस सही है, तो बाकी पूरा गेम आप लोग वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। सही है, चांद 5000। क्या करेंगे, हम लोग जीत गए और टॉस जीत गए, हम लोग बॉलिंग करेंगे ताकि हम देख सकें कि बैटिंग में आप लोग किस तरह रन बना रहे हैं, और देखते हैं टारगेट उस हिसाब से फिर हमारी एक्सपीरियंस साइड है, देख लें। लेट्स सी। देखो भाई, वीडियो के शुरू में ही बता रहा हूँ कि अगर आपने केज वॉर्स इंडोर क्रिकेट टूर्नामेंट खेला हुआ है या आपका कॉन्सेंट्रेशन स्पैन बहुत कम है, तो इस वीडियो के अगले 5 मिनट को स्किप करके डायरेक्ट मैच एंजॉय कीजिए। एक टीम में 8 प्लेयर्स हैं और 8 ओवर दोनों टीम्स को मिलेंगे खेलने। प्लेइंग फील्ड को डिवाइड किया गया है 2 हाफ्स में, जिसके हिसाब से बैटिंग रूल्स, बॉलिंग रूल्स और फील्डिंग रूल्स रखे गए। शुरू करते हैं बैटिंग रूल्स से। एक 8 ओवर की इनिंग में हर प्लेयर की बैटिंग आएगी, क्योंकि प्लेयर्स जाएंगे पेयर्स में खेलने के। हर पेयर 2 ओवर खेलेगा, हर पेयर का स्कोर अलग नोट किया जाएगा और एट द एंड ऑफ 8 ओवर्स क्यूमुलेटिव स्कोर भी लिखा जाएगा। अब बैटिंग में रन्स किस तरह बनाना है? तो जो वर्टिकल प्लेइंग फील्ड को 2 हाफ्स में डिवाइड किया गया था, उसमें टूवर्ड्स द बैट्समैन जो हाफ है उसके राइट और लेफ्ट में जो वॉल है उसका एक बोनस रन है। वो बोनस रन अवेल करने के लिए बैट्समैन को भागना जरूरी, और भागने के लिए विकेट को भी हाफ में डिवाइड किया गया है और सिर्फ हाफ रन कंप्लीट करना है। उस हाफ रन के कंप्लीट करने के साथ साथ अगर आप राइट और लेफ्ट पे हाफ लाइन के बैट्समैन की तरफ वाली बॉल्स पे हिट करते हैं तो एक बोनस रन भी साथ मिलता है, मतलब बॉल का 1 रन और भागने का 1 रन, तो टोटल 2 रन। लेकिन अगर बॉल को हिट किया और हाफ रन नहीं कंप्लीट किया तो 0। इस तरह से जो प्लेइंग फील्ड का दूसरा हाफ है टूवर्ड्स द बॉलिंग विकेट, उसकी राइट और लेफ्ट वाली बॉल्स पर 2 बोनस रन है, लेकिन उन 2 बोनस रन को अवेल करने के लिए भी वो हाफ रन भाग कर कम्प्लीट करना जरूरी है। अगर हाफ रन यहाँ भी भाग कर कम्प्लीट नहीं किया गया तो 1 भी रन नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से सामने जो बॉल है उस पर बाउंड्री है, मतलब 4 या 6, और वो 4 या 6 अवेल करने के लिए भी भाग कर हाफ रन कंप्लीट करना जरूरी है। तो हाफ रन कंप्लीट करने पे 6 बन जाएगा 7 रन और 4 बन जाएगा 5 रन। इसी तरह से अगर 2 रन वाली बॉल से बॉल टकरा कर सामने बाउंड्री वॉल पर टकराती है तो 3 रन मिलते हैं, लेकिन वो 3 रन अवेल करने के लिए शर्त वही है भी कि हाफ रन भाग कर कंप्लीट करना जरूरी है। आउट होने पर -5। बैट्समैन हर नॉर्मल क्रिकेटिंग रूल के तहत आउट दिया जा सकता है। बॉलिंग रूल्स कुछ ऐसे हैं कि हर टीम को 5 बॉलर मिनिमम इस्तेमाल करना लाजमी है। 3 बॉलर्स 2-2 ओवर कर सकते हैं और 2 बॉलर्स 1-1 ओवर करें। बॉलिंग रूल्स में ट्विस्ट एक ये है कि बॉलिंग सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप्स लेके की जा सकती है, फुल रन अप अलाउड नहीं है। फिर 7 ओवर्स में हर वाइड बॉल काउंट की जाएगी, लेकिन बैटिंग टीम को 2 रन अवॉर्ड कर दिए जाएंगे। लेकिन 8 ओवर में बैट्समैन डिसाइड करके अंपायर को बता सकता है कि मुझे वाइड बॉल्स को काउंट करवाना है या फिर रीबॉल होगी, 2 रन फिर भी अवॉर्ड किए जाएंगे। नो बॉल पर भी 2 रन है, लेकिन नो बॉल काउंट नहीं की जाएगी, रीबॉल होगी, बट नो बॉल के बाद कोई फ्री हिट का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आ जाते हैं फील्डिंग रूल्स की तरफ। विकेट कीपर के साथ साथ 2 फील्डर्स एट ऑल टाइम्स जो प्लेइंग फील्ड का बैटिंग साइड वाला हाफ है उसमें मौजूद होना जरूरी है। बाकी सारे फील्डर्स जो हैं वो प्लेइंग फील्ड के बॉलिंग हाफ की तरफ प्लेस किए जा सकते हैं। जो नेटेड रूफ है ऊपर, उससे अगर बॉल सीधा डायरेक्ट टकरा कर फील्डर एक हाथ से कैच करता है तो बैट्समैन को आउट दे दिया जाएगा। हर टीम एक मैच में मैक्सिमम 6 पॉइंट्स अवेल कर सकती है, 2 पॉइंट्स तो मैच जीतने के, बाकी 4 हैं स्किन पॉइंट्स। अब ये स्किन पॉइंट्स क्या है भाई? आपको मैच के साथ साथ पेयर्स भी जीतने हैं। एग्जांपल, अगर एक पेयर 2 ओवर में 15 रन बनाता है, अगेंस्ट टीम का वही पेयर उन 2 ओवर्स में 16 रन बनाता है, तो वो 1 पॉइंट यानी वो स्किन उस पेयर की हो जाती है और उनको 1 पॉइंट अवॉर्ड कर दिया जाता है। अगर स्किन ड्रॉ हो जाती है तो स्किन पॉइंट इस तरह दिया जाता है कि अगली स्किन में जो भी पेयर जीतता है उसको ऊपर वाली स्किन का भी पॉइंट मिल जाता है। अब चलते हैं मैच की तरफ। We'll be right back.
शाबाश बॉय शाबाश। चलो जमील जमील सही है, हो गया इजी है बहुत। आला बॉय शाबाश। एक हाथ से कीपर बहुत आला शाबाश रसुल्ला। सही है बहुत आला शाबाश पठान। बॉल पकड़ो पीछे बहुत आला पठान। बॉल देखो यार मार भाई। फर्स्ट पेयर का स्कोर हो गया 21 रन्स और नो डाउट बहुत ही डिफिकल्ट गेम है। असल काम है फील्डर्स का कि फील्डर ने रन रोकने रन आउट करने और वही रियल गेम है। आजा दो कर देंगे आजा दो कर देते यार आगे निकल गया क्या बड़ान क्या हो गया वो डाला चावा बड़ान। एक्सेलेंट गाइस शाबाश बड़ान। आ जाओ गेट हो गया बॉल पे तो आओ दो बॉल पे बॉल काउंट दो कर दे दे कोई ये अच्छा यार ये अच्छा नहीं क्या हुआ नहीं क्या हुआ लख दी नरक तेरे मुंह ते चेंज हो गया बहुत आलम कोई मसला नहीं जान से मार आएगा यार बैटिंग आजा रसुल्ला मैं भी तेज नहीं है आजा दूसरा बैटिंग बहुत आला ओए 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 पठान क्या बात है आजा दो करेंगे बैटिंग है आप आओ ना मेरे मर्जी बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन तो एक्सपीरियंस प्लेयर आ गए बहुत आला पठान बहुत आला शाबाश उधर भी आउट था पठान गया था बहुत आला बहुत आला आया जो जी आजा अबे दो रन पहुंच गए छोड़ दे ये वाली रनिंग चाहिए शाबाश लक्का छक्का शाबाश यार दो गए तेज़ आओ दो गए तीन छे नहीं वहां पर अरे दो छोड़ दे बटन छोड़ दे शाबाश यार उस्मान भाई दो मार देना भाई स्किन के 23 हो गए और नो डाउट बहुत अच्छा खेला है इन्होंने क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर थे और एक बाउंड्री भी दी है। बाकी बॉलर्स का इम्तिहान हो रहा है यहाँ पे 52 रन हो गए और दिखने में आसान लग रहा है लेकिन नो डाउट बहुत मुश्किल क्रिकेट है और अब जब बैटिंग करेंगे तो पता चलेगा। शाबाश यार रफे ऐसे खेलते रहो बेटा जल्दी कर जाएंगे आपको मैंने ये अपनी खाला का रिश्ता ना दे तो हम मैच जीत सकते हैं। नहीं
ये लो। कैच हो गया। छोड़ दे भैया भैया। भाई सीन ये है, पहले सीन के 12 थे, उसके बाद 8 है, फिर 23, फिर 9। तो ये है कि हम लोग के जो मेन बैट्समैन है ना वो जाएंगे थर्ड स्क्रीन पे, क्योंकि उसमें टारगेट ज़्यादा है, 23 रन का क्रॉस करना है। और ये कि बॉलिंग में बहुत मज़ा आया, फील्डर्स भी सारे जो है एक्टिव थे। इसमें हर फील्डर को हर वक्त एक्टिव रहना है, किसी भी वक्त कोई भी बॉल आ सकती है और पूरा मैच जो है वो एक बॉल पे पलट सकता है, ऐसा सीन है। सादिक से शुरू करें, हमारे पास बॉलर जो है ना वो है राफे, तला, सादिक और ये हमजा अंसारी, सॉरी ये चार बॉलर्स हैं। मैं पर एक ओवर फंसेगा वो देख लेते कौन कराएगा, बाकी ये के सारी स्किन जीतनी है। मुझे बैटिंग का बताओ, बैटिंग में क्या हुआ? हमारी बैटिंग में यार कुछ ऐसा नहीं हुआ, बीच में बॉल जो है विकेट पर थोड़ा फंस रहा है, तो स्पिनर का बॉल और थोड़ा स्लो बॉल खेलना मुश्किल हो रहा है ना, ऐसे ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपसे भी नहीं खेल पाया, मैं भी नहीं खेल पाया, छक्का मारा है। अच्छा सही, सॉरी उस पर फास्ट बॉलर ने मारा था, स्पिनर भी नहीं मारा। हमारे मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर आ गए फौज भाई के साथ आए नवेद पठान, और हमें कोशिश करनी है कि 21 रन क्रॉस करें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों बैट्समैन हमारे क्रॉस कर लेंगे इंशाल्लाह। ओए हो 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 बॉलिंग हो गई, हां सादा क्या था, बस शाबाश सादिक अंदर आया यार, दिन चार आ गए। ठीक है, बैटिंग एंड मार दे, हां जी ये जीरो होगा, जीरो कैच, बहुत टाइट, दूसरे देख सही है, खड़े रहो कैच, क्या बात है, मेहनत की बात है। तो यार बेटा ओवर हो गया, दो रन तो हुआ है, आउट हो गया। छोड़ दे पीछे जाना यार, पीछे देख भाई, अब जा रहे हैं वहाब भाई और जमी। अच्छा हमें ऐसा लगा था शुरू की, अब दो बॉलें भाई थी और एक छक्का आ गया था, हमने बोला इस स्किन तो हम जीत जाएंगे। हाँ पहली किस्त है हमारे, लगता है एक बॉल में, मैं भी बोल रहा था कि एक बॉल में जो है ना पूरा मैच का पासा पलट जाता है। ओके वो भाई कैच, अरे आज क्या बात है, बहुत आला तला नोलन, अरे बैटिंग, हाय आखिरी स्किन हमारी बड़ी है, समझ रहे हो, 23 रन की है हमारी। हाँ तो आखिरी नॉर्मल हमारी, इसके बाद सादिक, इसके बाद मैं कर लूंगा, फिर आखिरी में दिखाया जाएगा। सही, ये वाली करवा दो, नहीं ना मैं तो उससे करा दो, आउट हो गया, अरे यार इधर आउट हो गया था यार, क्या बात है, चलो 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 मार दे, छोड़ दे, बहुत आला, गुड रनिंग, गुड शॉट, ठीक है अरे यार इधर फेंक के खत्म करो ना यार, क्यों अटेम्प्ट कर रहे हो बाबा, खड़े रहो जमीन सही है, छोड़ दो, अब होगा असल इम्तहान, हमें सबसे आदरण बनाने 23 रन, तो इसीलिए जोजी और मैं आए, लेकिन उनका भी जो बेस्ट बॉलर है ना हमजा वो आ गया, तो अब देखते हैं 23 रन बनते ही नहीं बनते। शाबाश जोजी, कड़क रनिंग, नोमी एक है सिर्फ एक है, राफे बैठे, आउट हो गया उमर, शाबाश रोको नोमी बैटिंग, शाबा कैच, खड़ा
छोड़ दे, हाथ में रख, हाथ में रख। उन्नीस आ गए और स्किन थी 23 की, तो वो इंशाल्लाह हमने बीट करनी है। और पहले ही एक बॉल खेला मैंने, 5 बॉल जो जी निकले, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक होना चाहिए, राफे आ जाए यार। चलो भाई, बैटिंग आउट हो गया। आजा, पकड़ तो ले। एक हाथ से, कुछ नहीं हुआ। कैच कैच हो गया, कैच हो गया भाई। नो है। बाहर फेंक दी, बहुत आला भाई। मुझे लग रहा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, कितने रन बना दिए, बहुत सारे जीते दिनों ने। लाना दे दो बार, यही दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है जो 46 रन बनाया हमने इस स्किन में। और ये रिकॉर्ड मुझे ही रहता है, किसी ने तोड़ा होगा, हो सकता है तोड़ा। उस्मान भाई से पूछूंगा भाई पिछला क्या रिकॉर्ड था बेस्ट रन का। और अब हमें 10 रन बनाने, तो स्किन का पॉइंट भी हमें मिल जाएगा। मैच वैसे हम जीत चुके हैं, अनटिल अनलेस के माइनस ना हो, क्योंकि ये गेम ऐसा है कि भाई लास्ट बॉल तक जाएगा, लास्ट बॉल भी दो दफ़ा आउट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस मैच में। तो इसमें लास्ट बॉल तक गेम देखना पड़ेगा। कैच, शॉट, रन, बैटिंग करो, करो, रसूल्ला सही है। चला भाई, बैटिंग सही है भाई। स्किन भी हम लोग जीत गए हैं, मतलब जीतने से बात ये कि एक ओवर में हमने स्किन का रिकॉर्ड जो था क्रॉस कर दिया जी। नहीं बॉल यार, देखो एक तो ये गेम बिल्कुल डिफरेंट है, एक बॉल पे मैच पूरा पलट जाता है। अभी जैसे आपने पलट दिया ना, हम लोगों को जितवा दिया। मकान एक बार गिर गए वैसे बन कहाँ है, चलो बाबा। एक है सही। एक्सीलेंट बॉल, एक्सीलेंट जमाश, गुड गेम भाई। और नो डाउट नया एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा लगा, खेल के मजा आया। और सीन ये है कि ये वाला ना, यहाँ पे हाईएस्ट स्किन में कितने रन बने यार, हाईएस्ट स्किन में 30-36 भी बने, 30-36 बने ना, 46 का रिकॉर्ड आ गया भाई। मेरी जो उसका रिकॉर्ड 30-36 मुझे तो याद है, वहाँ जाना 30-36 बना, हो सकता है ज़्यादा बना, लेकिन हाईएस्ट प्रॉब्लम 120 का करता है टोटल जो बना है, 120। वैसे जो है अगर अच्छे प्लेयर ना, कोऑर्डिनेशन अच्छी, और हर गेम मिली कि आपकी कोऑर्डिनेशन अच्छी ना बैटमैन की, तो रनिंग। अब मैं बहाना करता हूँ, छोटा सा गैस हमारी टीम एक तो वो टीम ठीक है, और बाकी ये था कि सब लड़के पकड़ पकड़ करके चले थे, तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिखाई दे रही, तो हमारी हार की वजह ये बनी। आप भी मत समझे, टूर्नामेंट भी अच्छी कर रहे हैं, टूर्नामेंट में भी देखेंगे इंशाल्लाह।